ऑब्वियसली वही सृजिता देखने के लिए मिलेगा जो आ, मैं हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल भी फेक नहीं थी और आ, मैं जितना हो सके कि जैसे मैं हूँ वैसे खेलने की कोशिश कर रही थी सो यू विल सी द सेम मी मैं एकदम से बदल नहीं जाऊँगी या एकदम से मैं फेक स्टोरीज़ लव स्टोरीज़ नहीं क्रिएट कर सकती हूँ क्योंकि वो मैं हूँ नहीं आ, पर हाँ एग्रेशन और इन्वॉल्वमेंट आप ज़्यादा देखेंगे ज़रूर देखेंगे आ, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ चीज़ें जो मुझे घर के बाहर आने के बाद पता चली है जिससे मेरा खून काफ़ी खौला है हुआ है इस वक्त तो इसीलिए वो एग्रेशन भी बहुत जेनविन है ये भी नहीं कि मैं वो एग्रेशन फ़ेक कर रही हूँ गेम के लिए आई वुड नॉट फेक एनी थिंग वट एवर इट वुड बी वुड बी वेरी रियल एंड ट्रू मी मैं इसी तरह से देखती हूँ कि uh, uh, कहीं ना कहीं uh, दो, दोनों का ही कोई स्टैंड uh, पॉइंट नहीं है Uh, टीना को पता नहीं कितना गेम समझ में आ रहा है पर शालीन को हंड्रेड परसेंट गेम समझ में आ रहा है और उसको पता है कि uh, ये दोस्ती हो या टकरार हो या झगड़ा हो जिस तरीके से भी आप दिखाओ इट्स आफ्टर ऑल अ कंटेंट पॉजिटिव कंटेंट हो या नेगेटिव कंटेंट हो इट्स स्टिल अ कंटेंट राइट तो शालीन को इस बात की बहुत अच्छे से नॉलेज है और ही इज़ जस्ट प्लेइंग अलोंग दैट स्क्रीन प्ले फेक स्क्रीन प्ले जो भी वो लिख रहे हैं और वो जो कंटेंट दे रहे हैं टीना उस गाड़ी में बस बैठ के सफ़र कर रही है वो एब्सोल्युटली फेक है तो वो तो हर किसी को पता चल ही रहा होगा क्योंकि जैसे ही वो नॉमिनेटेड है तो उसके चार घंटे के अंदर वो गौतम के रूम में जाके बोलता है कि मेरे स्टमक में बटरफ्लाइज भाग रहे हैं मुझे कुछ हो गया और जो इस लड़के ने मुझे खुद इनिशियल सात दिन तक बोल बोलता रहा शालिन यार प्यार मोहब्बत मेरी बस की बात नहीं है तो मैंने पूछा भी था क्यों तो बोला मुझे गर्लफ्रेंड बनानी ही नहीं है अगर, अगर लाइफ में कभी ऐसा कोई आ जाए या कुछ सिचुएशन क्रिएट हो जाए तब देखेंगे पर मुझे लव आ, प्यार, इश्क़, मोहब्बत से कुछ आ, आ, मतलब खास लगाव नहीं है और मुझे ये सारी चीज़ें समझ नहीं आती है बिकॉज ऑफ माई पास्ट जो लड़का बहुत श्योरली मेरे एलिमिनेशन के दो दिन पहले भी हम ड्रेसिंग uh, एरिया में बैठ के बातें कर रहे थे और वो कह रहा था कि uh, मैं अपने में ही बहुत खुश हूँ मुझे कोई रिलेशनशिप नहीं चाहिए और सडनली एज बिकॉज आप नॉमिनेटेड हो तो सडनली आपके पेट में बटरफ्लाइज कूदने लग जाता है आप गौतम को जाके बोलते हो और अगले दिन गौतम के रूम में आप जाके बोलते हो टीना आई लव यू सो दैट्स ऑबवियसली फेक इट्स नॉट अ ऑर्गेनिक और ग्रेजुअली गोइंग romance. क्योंकि ऑडियंस को जो देखना अच्छा लगता है स्पेशली हमारे इंडिया में कि ग्रेजुअली एक प्यार डेवलप हो धीरे धीरे वो समय के साथ खूबसूरत तरीके से खिले पर ये ऐसा हो रहा है कि कभी खिल रहा है कभी मुरझा रहा है खिल रहा है मुरझा रहा है लाइक like, ऑडियंस भी कन्फ्यूज़ हो रहा है कि हो क्या रहा है